कहानी की शुरुआत में हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जिनका नाम हंटर और बैकी था। ये दोनों लड़कियां 2000 फीट ऊंचे एक टावर पर फंसी हुई थी। इनके फोन्स में नेटवर्क भी नहीं था, इसलिए वो दोनों किसी को कॉल करके मदद भी नहीं मांग सकती थी। इससे भी बुरी बात ये थी कि ये टावर एक रेगिस्तान के बीचों बीच था, इसलिए आसपास किसी का उन्हें देख पाना भी मुश्किल था। और तो और, अगर इन दोनों में से कोई नींद लेने की कोशिश करती तो गिद्ध इनके पास आकर इनके मांस को खाने लगते। अब ये लड़कियां इस टावर पर कैसे फंसी और क्या ये इस टावर से बच पाईं या मारी गई? चलिए देखते हैं हमारी आज की इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में बैकी अपने हस्बैंड डैन और अपनी सबसे अच्छी दोस्त हंटर के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही थी। तभी डैन को एक छोटी सी केव दिखती है जिसमें वो अपनी ग्रिप बनाने के लिए उसमें हाथ डाल देता है, लेकिन अचानक ही उस केव में से एक पंछी बाहर निकलता है जिसकी वजह से डैन अपना बैलेंस खो देता है और नीचे गिरने लगता है, लेकिन सेफ्टी वायर से बंधा होने की वजह से वो बच जाता है। यहाँ पर डैन माउंटेन को पकड़ने की कोशिश करता है। हंटर और बैकी उसकी मदद करने के लिए उसके पास आ ही रही थी कि तभी डैन की सेफ्टी वायर टूट जाती है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। यहाँ से सीन प्रेजेंट में एक साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ बैकी आज भी उस इंसिडेंट में मरे अपने हस्बैंड को याद करके बहुत दुखी थी। वो काफी ज्यादा ड्रिंक करने लगी थी जिससे वो डिप्रेशन में थी। उसकी इस बात से उसके फादर जेम्स उसको लेकर काफी परेशान थे। वो बैकी को उस इंसिडेंट से मूव ऑन करने को कहते हैं, लेकिन बैकी उनकी कोई बात मानने को तैयार नहीं थी। एक दिन बैकी अपनी लाइफ से परेशान होकर बहुत सारी दवाइयां एक साथ खाकर सुसाइड करने की कोशिश करती है कि तभी उसके फोन पर हंटर का कॉल आता है जिससे वो सुसाइड नहीं करती। अगले दिन हंटर उसके घर जाती है। हंटर बैकी को उस इंसिडेंट से बाहर निकालने के लिए उसको कहती है कि उसने B67 टीवी टावर पर क्लाइंब करने का प्लान बनाया है और जिसमें तू भी मेरे साथ क्लाइंबिंग करने चल रही है। अब क्योंकि हंटर जानती थी कि बैकी को एडवेंचर प्लेसेस पर जाना बहुत पसंद था और काफी लंबे समय से उसने कोई एडवेंचर भी नहीं किया था, बैकी जो इस टाइम काफी परेशान थी इसलिए वो हंटर को क्लाइंबिंग करने से मना कर देती है। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो किचन में रखी अपनी मेडिसिन लेने जाती है तो वो थोड़ा सोचते हुए डिसाइड करती है कि वो उसके साथ क्लाइंबिंग करने जाएगी। इसके बाद हंटर और बैकी दोनों उस टावर की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में बैकी हंटर के फोन में उसकी कुछ पुरानी फोटोज देखने लगती है। जैसे ही वो स्क्रोल करते हुए आगे और फोटोज देखती है तो हंटर की एक फोटो में वो नोटिस करती है कि हंटर के कंधे पर एक लड़के का हाथ था। बैकी हंटर से उस लड़के के बारे में पूछती है, लेकिन हंटर उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। तभी यहाँ बैकी के फोन पर उसके फादर का कॉल आता है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करती। काफी देर ड्राइव करने के बाद वो एक होटल में रात गुजारने के लिए रुकते हैं। डिनर करते वक्त बैकी को पता चलता है कि हंटर अब एक यूट्यूब व्लॉगर है और यूट्यूब रेवेन्यू से ही वो अपनी ट्रैवलिंग का खर्च उठाती है। इसी दौरान बैकी की नज़र विंडो के बाहर उस टीवी टावर पर पड़ती है जहाँ पर वो दोनों जा रही थी। हंटर बैकी को बताती है कि ये टावर यूनाइटेड स्टेट का चौथा सबसे ऊंचा टावर है। नेक्स्ट मॉर्निंग बैकी और हंटर अपनी कार में बैठकर अपना सफर जारी रखती हैं। यहाँ पर हंटर ड्राइविंग करते करते ही अपने यूट्यूब चैनल के लिए व्लॉग बनाने लगती है जिसमें वो अपने व्यूअर्स को बताती है कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ उस टीवी टावर पर चढ़ने वाली है। इसके बाद फाइनली वो दोनों उस टीवी टावर के पास पहुंच जाती हैं, जहां उन्हें गेट पर एक डेंजर साइन के साथ ताला लगा हुआ मिलता है। यहां से वो दोनों गाड़ी को छोड़कर पैदल ही आगे जाने लगती हैं। रास्ते में उन्हें कुछ गिद्ध एक मरे हुए जानवर को खाते हुए दिखाई देते हैं। हंटर इस चीज को भी अपने व्लॉग में रिकॉर्ड कर लेती है और उस मरे हुए जानवर की फोटो क्लिक करके अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट कर देती है, जिस पर उसे बहुत जल्द ही काफी लाइक्स मिल गए थे। कुछ देर बाद वो टावर तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हंटर अपना व्लॉग बनाना बंद कर देती है। वहीं बैकी टावर की ऊंचाई देखकर डरने लगती है और उसे लगता है कि वो ये नहीं कर पाएगी, क्योंकि डैन के साथ हुए इंसिडेंट के बाद उसने कभी इतनी ऊंचाई का सामना नहीं किया था। लेकिन हंटर उसे उसका डर दूर करने के लिए कहती है, जिसके बाद हंटर सेफ्टी रोप को उसकी कमर से बांधकर टावर के ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। ये पूरा टावर काफी पुराना हो चुका था जिस पर बुरी तरह से जंग लगी हुई थी। इस टावर की सीढ़ियां हिल रही थी और नट बोल्ट भी काफी लूज हो चुके थे। यहाँ पर ये दोनों काफी ऊपर तक चढ़ चुकी थी कि तभी बैकी के हाथ से सीढ़ी का एक पुराना हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है, जिससे बैकी थोड़ा डर जाती है, लेकिन वो हिम्मत करके फिर से उस टावर के ऊपर चढ़ने लगती है। ऐसे ही धीरे धीरे वो आधे टावर तक पहुंच जाती है, यानी 1000 फीट ऊपर, जहां से शहर काफी छोटा दिखाई दे रहा था। ये दोनों यहाँ पर कुछ देर आराम करती हैं और पानी पीने के बाद फिर से क्लाइंबिंग करने लगती हैं। थोड़ी देर बाद वो 1800 फीट ऊपर पहुँच चुकी थी और अब उन्हें सिर्फ 200 फीट ही ऊपर चढ़ना था। बैकी इतना ऊपर चढ़कर काफी डरने लगती है क्योंकि वहाँ हवा बहुत तेज चल रही थी और सीढ़ियाँ भी काफी पुरानी होने की वजह से हिल रही थी। वो हंटर से कहती है कि अब उन्हें वापस नीचे जाना चाहिए, लेकिन हंटर उसे बोलती है कि अब इतनी ऊपर आकर उन्हें हार नहीं माननी चाहिए।
जिसके बाद वो वापस से ऊपर चढ़ने लगती हैं। यहाँ से टावर के ऊपर चढ़ने का रास्ता काफी खतरनाक था। रास्ते में लगी कुछ डिस्क को हंटर ने काफी आसानी से पार कर लिया था और अब वो बेकी को भी उन्हें पार करने में मदद कर रही थी। अब जैसे जैसे वो ऊंचाई पर जा रही थी वैसे वैसे हवा का प्रेशर भी बढ़ता चला जा रहा था, जिससे बेकी और ज्यादा डर रही थी। इसी बीच सीढ़ी के पुराने नट बोल्ट एक एक करके अपने आप निकलने लगते हैं, लेकिन इस बात से अनजान वो दोनों ऊपर चढ़ना जारी रखती हैं और फाइनली वो दोनों टावर के टॉप पर पहुंच जाती हैं, जहां एक और नट बोल्ट खुलकर नीचे गिर चुका था। यहां पर हंटर दोबारा से अपना व्लॉग बनाना शुरू करती है और वीडियो में अच्छे शॉट्स लेने के लिए वो ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल करती है। थोड़ी देर बाद हंटर अपने व्यूअर्स को और अच्छा कंटेंट देने के लिए बेकी को ड्रोन का रिमोट पकड़ाकर खुद उस टावर के सहारे एक हाथ पर लटक जाती है। शॉट्स लेने के बाद वो वापस से ऊपर आती है और सेम यही चीज बेकी को भी करने के लिए कहती है, लेकिन बेकी उसे ऐसा करने से मना कर रही थी, जिस पर हंटर उसे कहती है कि उसका डर भगाने का ये सबसे बड़ा मौका है। जिसके बाद बेकी हंटर का हाथ पकड़कर वही स्टंट करती है और हंटर उसकी सेल्फी लेने लगती है। इसके बाद बेकी वापस से ऊपर आ जाती है। यहाँ पर बेकी अपने हस्बैंड डैन की अस्थियों को लेकर आई थी और डैन को याद करती हुई वो उसकी अस्थियों को यहाँ विसर्जित कर देती है। इस मोमेंट पर बेकी और हंटर दोनों काफी इमोशनल हो गई थी। इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें वापस जाना चाहिए, इसलिए वो अपने सेफ्टी वायर को खुद से कनेक्ट करती हैं और बेकी नीचे जाना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही वो पहला कदम सीढ़ी पर रखती है तो सीढ़ी टूट जाती है और वो सीढ़ी के साथ साथ नीचे गिरने लगती है, लेकिन हंटर किसी तरह उसे पकड़कर वापस ऊपर खींच लेती है। यहाँ पर बेकी मौत के मुंह से बचकर आई थी, जिससे वो जोर जोर से डर के मारे रोने लगती है और अचानक दोनों हंसती हैं। नीचे देखने पर उन्हें पता चलता है कि अब उनके नीचे उतरने के लिए कोई सीढ़ी ही नहीं है। वो दोनों अपने अपने फोन को चेक करती है, लेकिन उनके फोन में कोई नेटवर्क नहीं था और उनका बैग भी नीचे टावर डिस्क पर गिर चुका था, जिसमें उनके खाने पीने का सामान था। यहाँ ऊपर टावर पर उन्हें एक इमरजेंसी बॉक्स दिखता है, जिसे खोलने पर उन्हें एक दूरबीन और एक फ्लेयर गन मिलती है, लेकिन ये दोनों चीजें उनके किसी काम की नहीं थी। ये सब देखकर बेकी हंटर पर भड़क जाती है। हंटर उसे ये कहते हुए शांत करने की कोशिश करती है कि हो सकता है सीढ़ियों के नीचे गिरने की आवाज़ सुनकर कोई उनकी मदद करने आए और इसलिए अब हम दोनों को बस थोड़ी देर इंतजार करना होगा जब तक कि कोई आ नहीं जाता। तभी हंटर नोटिस करती है कि पिछली बार सीढ़ियों के गिरने की वजह से बेकी के पैर पर चोट लगी थी और अब उस चोट से ब्लड बाहर आ रहा था। यहाँ पर हंटर बेकी की चोट पर अपनी शर्ट बांध देती है। कुछ समय बाद बेकी हंटर से पूछती है कि उसने व्लॉगिंग क्यों शुरू की, जिस पर हंटर गलती से डैन का नाम ले लेती है, जिससे बेकी के मन में हंटर के प्रति शक बैठ जाता है। कुछ देर बाद हंटर अपना फोन चेक करती है, जहां उसने कुछ देर पहले अपनी सोशल साइट पर एक मरे हुए जानवर की फोटो अपलोड की थी, जिससे उन्हें एक आइडिया आता है कि वो अपने फोन पर एक हेल्प मैसेज टाइप करेंगे और उस फोन को रस्सी से बांधकर नीचे लटका देंगे, ये सोचकर कि शायद नीचे जाने पर फोन में सिग्नल आ जाए और उनकी पोस्ट अपलोड हो जाए। हालांकि उनकी ये कोशिश नाकामयाब हो जाती है। इसके बाद उन्हें लगता है कि जरूर जमीन पर तो नेटवर्क होगा ही, इसीलिए वो उस फोन को अपने जूते में डालकर उसके चारों ओर अपनी जुराबें फंसाकर जूते को नीचे गिरा देती हैं। यहाँ टावर पर अचानक बेकी का ध्यान हंटर के दूसरे पैर पर जाता है, जहाँ 143 का टैटू बना हुआ था, जिसे देखकर उसे याद आता है कि उसका हस्बैंड डैन हमेशा उसे आई लव यू कहने के लिए 143 कोड का इस्तेमाल करता था। लेकिन बेकी इस चीज को भी इग्नोर करके इस टावर से नीचे उतरने के लिए कोई और आइडिया सोचने लगती है। थोड़ी देर बाद उन दोनों को दूरबीन से नीचे जमीन पर टावर के पास से गुजर रहा एक आदमी और उसका डॉग दिखाई देते हैं, जिससे वो उस आदमी से मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन इतनी ऊंचाई होने के कारण उनकी आवाज नीचे नहीं जाती। यहाँ नीचे हम देखते हैं कि हंटर ने जो फोन जूते में डालकर नीचे फेंका था वो पूरी तरह से टूट चुका था और अब उनका ये प्लान भी फेल हो चुका था। वो आदमी वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर बेकी हेल्प के लिए चिल्लाते हुए अपने दोनों जूते उस आदमी पर नीचे फेंक देती है, ताकि उस आदमी का ध्यान ऊपर की ओर उन पर आ जाए, लेकिन वो आदमी ये नोटिस नहीं करता क्योंकि वो किसी से कॉल पर बात कर रहा था। इसके बाद बेकी वो फ्लेयर गन चलाने लगती है, लेकिन हंटर उसे ये कहते हुए फ्लेयर गन चलाने से मना कर देती है कि अभी दिन का समय है, इसलिए किसी को भी फ्लेयर गन का पता नहीं चलेगा। इसी दौरान वो दो और आदमियों को वहाँ थोड़ी दूर नोटिस करती हैं, जो यहाँ पार्टी करने के लिए आए थे। उन्हें देखकर वो दोनों डिसाइड करती हैं कि थोड़ा अंधेरा होने पर वो इस फ्लेयर गन का इस्तेमाल करेंगी, ताकि वो लोग उन्हें नोटिस कर सकें। कुछ देर बाद रात हो जाती है और बेकी फ्लेयर गन का इस्तेमाल करती है, जिससे वो दो आदमी उन्हें देख लेते हैं। यहाँ पर बेकी और हंटर अपने हाथ हिलाते हुए और जोर जोर से चिल्लाकर उनसे मदद मांगने की कोशिश करती है। इसके बाद वो दोनों दूरबीन से देखते हुए नोटिस करती है कि वो दोनों आदमी हंटर की कार के पास जा रहे थे, जिसे देखकर दोनों खुश हो जाती है, लेकिन उनकी मदद करने के बजाय वो आदमी उनकी कार को चुराकर वहाँ से भाग जाते हैं।
ये देखकर वो दोनों काफी दुखी हो गई थी और अब उन्हें जल्दी से कोई नया आइडिया भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। यहाँ पर बैकी हंटर से उसके पैर के टैटू के बारे में पूछ ही लेती है, जहाँ हंटर ये रिवील करती है कि उसका डैन के साथ 6 महीने तक अफेयर रहा था। इसके लिए वो उससे माफी मांगती है कि उसने उसके हस्बैंड के साथ हुकअप करके काफी बड़ी गलती करी। हंटर बताती है कि डैन उसे अच्छा लगता था और वो उससे प्यार भी करती थी, लेकिन डैन बैकी से ज्यादा प्यार करता था, इसलिए उसने जल्दी ही डैन से ब्रेकअप कर लिया था। बैकी ये सुनकर और भी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसका हस्बैंड दोनों ही उसे चीट कर रहे थे। अगली सुबह बैकी फोन चेक करती है, जहां उसे पता चलता है कि इस टावर पर चढ़े उन्हें 24 घंटे बीत चुके हैं। अब क्योंकि उन्हें काफी भूख और प्यास भी लग रही थी, इसलिए हंटर डिसाइड करती है कि वो नीचे डिस्क पे जाके अपने बैग को लेकर आएगी, जिसके लिए वो सेफ्टी रोप को टावर से बांधकर नीचे उतरने लगती है। लेकिन डिस्क से थोड़ी दूर पर वो रस्सी छोटी पड़ जाती है, जिससे हंटर उस बैग तक नहीं पहुँच पाती। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए हंटर अपने साथ बड़ी रस्सी खोलकर उस पर लटककर जंप लेते हुए डिस्क पर कूद जाती है। वो बैग को उठाकर उसमें से पानी की बोतल निकालकर पीने लगती है। इसके बाद वो अपनी सेल्फी स्टिक की मदद से बैग को रस्सी से लटका देती है और खुद भी कूदकर उस रस्सी को पकड़ लेती है। तभी बैकी उसे ऊपर खींचना शुरू करती है। यहाँ पर हंटर भी ऊपर चढ़ने लगती है और वो बस ऊपर पहुँचने ही वाली थी कि तभी उसके हाथ से रस्सी फिसल जाती है, जिससे वो तेजी से नीचे गिरने लगती है। ये देखकर बैकी की धड़कन एकदम से तेज हो गई थी, क्योंकि अपने हस्बैंड को खोने के बाद अब वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं खोना चाहती थी। लेकिन जैसे ही बैकी डरी हुई नीचे देखती है, तो हंटर उसे रस्सी पर लटकी हुई दिखती है। हालांकि हंटर के हाथों में काफी चोट लग गई थी, इसलिए बैकी अपनी पूरी ताकत लगाकर हंटर को टावर के ऊपर खींच लेती है। थोड़ी देर बाद बैकी एक हेल्प नोट लिखकर ड्रोन में फंसा देती है और ड्रोन के सहारे पास के होटल तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रोन में बैटरी कम होने की वजह से वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता था, इसलिए वो उसे वापस अपनी ओर ले आती है। यहाँ अब फिर से वो दोनों टावर पर हेल्पलेस थी। रात में बैकी को एक भयानक सपना आता है, जिसमें वो देखती है हंटर की उस टावर पर ही मौत हो गई और गिद्ध हंटर के शरीर को खा रहे हैं। इससे वो डरी हुई उठती है और तब उसे पता चलता है कि ये बस एक बुरा सपना था। नेक्स्ट मॉर्निंग बैकी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो टावर के ऊपर लगी लाइट से ड्रोन को चार्ज कर सकती है। इसके बाद वो टावर के पोल पर चढ़कर जैसे ही ड्रोन चार्जर को प्लग में लगाती है, तो वो देखती है कि वो प्लग काफी लूज था, इसलिए बैकी को ऊपर लटके हुए ही उस चार्जर को पकड़े रखना पड़ता है, जब तक कि ड्रोन की बैटरी फुल चार्ज नहीं हो जाती। काफी टाइम से उस पोल को पकड़े रहने की वजह से बैकी के हाथ धीरे धीरे करके सुन्न पड़ने लगे थे, और इससे भी बुरी बात ये थी कि अब यहाँ पर काफी सारे गिद्ध आकर उस पर अटैक भी कर रहे थे, जिससे बैकी के हाथों से बैग नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद वो ड्रोन की बैटरी फुल चार्ज हो जाती है, जिससे बैकी नीचे आ जाती है। इसके बाद वो ड्रोन को होटल तक पहुँचाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो ड्रोन होटल तक पहुँचने ही वाला था, तो उसकी टक्कर एक ट्रक से हो जाती है, जिससे वो बिल्कुल टूट गया था और उनको ड्रोन कैमरा से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर वो दोनों और भी ज्यादा डर गई थी, क्योंकि अब उनके पास बचने का कोई भी ऑप्शन नहीं था। वो थकी हारी उस टावर पर हार मानकर बैठ जाती है। शाम के समय वहाँ तूफान बनने लगे थे, जिससे उनका जिंदा रहना और भी मुश्किल हो गया था। यहाँ पर बैकी को बहुत तेज नींद भी आ रही थी, इसलिए वो वहीं सोने लगती है, लेकिन हंटर उसको सोने से मना करती है, क्योंकि उनके सोते ही गिद्ध फिर से उन पर हमला करने लगते। बैकी हंटर से उसका दूसरा जूता भी मांगती है, ताकि इस बार वो उसमें अपना फोन डालकर नीचे फेंक सके। हंटर उससे कहती है कि मेरा जूता तो नीचे डिस्क पर ही गिरा हुआ है। यहाँ से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है और हमें पता चलता है कि जब हंटर नीचे डिस्क पर कूदी थी, तो उसी टाइम डिस्क पर गिरने से उसकी मौत हो गई थी, और उसके बाद से बैकी अकेले ही सरवाइव कर रही थी। बैकी को हेलुसिनेशन होने लगे थे, जिसमें वो हंटर की प्रेजेंस को इमेजिन कर रही थी। रात में बैकी तूफान में सरवाइव करने के बाद अपने फादर के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करती है, जिसमें वो बताती है कि वो वापस घर आना चाहती है। वहीं दूसरी ओर उसके फादर जेम्स भी उसको लेकर बहुत परेशान थे। अगले दिन जब बैकी इस टावर पर सोई हुई थी, तब एक गिद्ध आकर बैकी की चोट पर से उसका मांस खाने लगता है। लेकिन अब क्योंकि बैकी को काफी भूख लग रही थी, इसलिए वो उस गिद्ध को जोर से पकड़कर टावर के मेटल से उसे जान से मारकर खाने लगती है, जिससे उसमें थोड़ी जान आती है और वो रस्सी के सहारे नीचे डिस्क पर उतरती है, जहां हंटर की डेड बॉडी पड़ी थी। इसके बाद वो अपने डैड जेम्स को मैसेज करती है कि वो इस टावर पर फंसी हुई है, और अपने फोन को हंटर के जूते में डाल देती है। लेकिन इस बार वो उस जूते को हंटर की डेड बॉडी में घुसाकर उसकी डेड बॉडी को नीचे फेंक देती है। इसके बाद रात में उसके फादर जेम्स को बैकी का मैसेज मिलता है,
और वो जल्दी से पुलिस को कॉल करके वहाँ टावर तक पहुँचता है। अब जैसे ही वो उस टावर तक पहुँचता है तो देखता है कि पुलिस एक डेड बॉडी को कवर कर रही थी। ये देखकर उसे लगता है कि ये उसकी बेटी बैकी की डेड बॉडी है जो जिंदा नहीं बच पाई। तभी उसे अपनी बेटी पुलिस की कार के पास दिखाई देती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। और इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी यहीं पर खत्म हो